दोस्तों, सभी पापों का नाश करने वाली और बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत करने वाली परिवर्तनी एकादशी इस बार 9 सितंबर यानी कि सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवशनि एकादशी पर योग निंद्रा में गए भगवान विष्णु इस दिन निंद्रा में करवट लेते हैं। भगवान के करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और सुख सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। माना जाता है कि समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी पर व्रत रखने से पूर्व जन्म के और इस जन्म में जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा व्रत करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हमेशा धन की समस्या से परेशान रहता है या धन की कमी से परेशान रहता है, उसे इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए और रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर एकादशी व्रत करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आप आराधना करें और उनकी मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी और ऋतु फल का प्रयोग करें। व्रत वाले दिन मन में अच्छे विचार रखें और दान जरूर करें। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत खोल लें। और आज हम आपको परिवर्तिनी एकादशी का एक ऐसा अचूक मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे केवल अगर आप सुन भी लेंगे तो आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर चाहे वो परेशानी आपकी ग्रह कलेश या धन की कमी इत्यादि से क्यों ना जुड़ी हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खास मंत्र के बारे में। दोस्तों, आपको परिवर्तिनी एकादशी की शाम विधि विधान से घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और दीप अवश्य जलाना है। उसके बाद तुलसी की माला के कम 101 बार आपको एक खास मंत्र का जाप करना है। वह खास मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस खास मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपनी सभी परेशानियां भगवान के समक्ष बोल देनी है। ऐसा करने से दोस्तों धीरे धीरे सभी परेशानियां गायब हो जाएंगी और आपको सुखी जीवन जीने का अवसर मिलेगा। साथ ही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सफलताएं ही हासिल होंगी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।